हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सॉल्यूशन पर। फ्रेंड मैं हूं नीलम। हम अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तरह तरह के महंगे फेशियल और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, पर हमारे फेस की एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नोज। और नोज पर जब ब्लैक हेड्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं देखने में, और ये हमारी पूरी चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ कर रख देते हैं। और इन्हें क्लीन करने के लिए हम तरह तरह के स्ट्रिप्स और तरह तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको एक आसान सा घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप नाक पर पड़े हुए जितनी ब्लैक हेड्स को आप रिमूव कर सकते हो और अपने नोज़ को क्लीन कर सकते हो। तो फ्रेंड इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लिया है। आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हो। आपको व्हाइट वाला टूथपेस्ट ले लेना है, जेल वाला नहीं लेना है। तो आप कोलगेट का भी ले सकते हो या कोई भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको इसमें दो चुटकी गेहूं का आटा डाल लेना है। मैं यहाँ पर गेहूं का आटा ले रही हूँ, आप छना हुआ नहीं लेना है। बिना छना हुआ मैं गेहूं का आटा लेना है यहाँ पे। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे रोज़ वाटर और इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट आपको नहीं करना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। ईजी टू अप्लाई रहे ऐसा पेस्ट आपको बना लेना है। और फ्रेंड इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले प्लीज़ आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो उन्हें ये पेस्ट सूट नहीं करेगा। तो आप इसे बनाकर कान के पीछे लगा लें 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद क्लीन कर दें। 24 घंटे में जब आपको वहाँ पर किसी भी तरह की सेंसेशन, खुजली या जलन या दाने ना पड़े, तब समझ लीजिए कि आपको ये पेस्ट सूट करता है। तो फ्रेंड पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है। और उसके बाद हमें इस तरह से एक ब्रश ले लेना है, कोई भी पुराना ब्रश। आप दांतों पर जो ब्रश यूज ना करते हो वो ब्रश लेना है, ब्रश साफ होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पेस्ट को लगाकर अपने नोज़ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 2 मिनट तक आपको ऐसे ही रब करना है। हल्के हाथों से आपको ऐसे ही ब्रश की हेल्प से रब करना है, बहुत तेज़ी से रब नहीं करना वरना आपकी स्किन को नुकसान कर सकता है। और सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको ये करना है, इससे ज़्यादा के लिए आपको नहीं करना है। अगर आपकी स्किन में जल्दी से सेंसेशन होने लगती है तो आप तुरंत ही इसको हटाकर क्लीन कर दें। ज़्यादा देर के लिए इसको नहीं आप अपने फेस पर अप्लाई करें, बस 2 मिनट के लिए आपको हल्के हल्के हाथों से इसे ब्रश की सहायता से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको रगड़ना है। उसके बाद आपको कॉटन ले लेना है। कॉटन की हेल्प से इस पेस्ट को आपको क्लीन कर देना है। आप चाहें तो किसी गीले सूती कपड़े से भी आप इसको पोंछ सकते हो। तो इस तरह से आपके ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं फ्रेंड। और आपको पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना है इसको इस्तेमाल करने से पहले, ताकि आप बाद में कंप्लेन ना करें कि ये चीज़ हमको सूट नहीं करती। तो प्लीज़ आप पैच टेस्ट इसको इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दें। उसके बाद एक घंटी का निशान आएगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इस तरह से आपको मेरे चैनल में सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाओगे। वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।